ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସିଧାସଳଖ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଏଠି କିଛି ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ। ସାର୍ ଆପଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ମେ ସ୍ୱାଗତ ହେ। ଦେଖିଏ ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚୁନୌତି ଲଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ଅଭି କୁଛ ସମୟ ପହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା କା ଯୋ ଇଏ ଯୋ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କା ବାତ ଯାବି ଆ ରହା ହେ ଇସ୍ ବାରେ ମେ କ୍ୟା ମେସେଜ ଦେଙ୍ଗେ। भाई साहब मैं कर्नाटका से आता हूँ, क्या मैं कर्नाटका से जो अपने कर्नाटका में नहीं जन्मे हैं पैदा नहीं हुए हैं कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है क्या ऐसा व्यक्ति को क्या कर्नाटका से हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम स्वीकार करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही यहाँ बीजेडी ने तमिलनाडु से एक नेता को इम्पोर्ट कर यहाँ के जनता के ऊपर यहाँ के युवाओं के ऊपर इम्पोज करने का काम यहाँ एक प्रयास हो रहा है। ये यहाँ के युवाओं के प्रति अपमान है, ये स्वाभिमान के विषय है, अस्मिता के विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है 4 जून को जब परिणाम आएगी ओडिशा के अस्मिता का बहुत बड़ा जीत होगी। देखिए यहाँ पे अभी लड़े होगा, पहले भी यहाँ बीजेपी विधायक थे, अभी यहाँ जो आप जो बोल रहे हैं जो बाहर राज्य से अभी तमिल बाबू ने यहाँ पे आया है, ये तमिल भाषा पे ओरिया का शासन करेगा, ओरिशा का शासन होगा, ये कैसा होगा? ये जो अभी यूथ के लिए अब मैसेज दिए हुए हैं, अभी ओरिशा का परिवर्तन कैसे होगा, लड़ाई कैसे होगा? 10 साल के लिए 2004 से 2014 तक गलती से हम देश इटलियों के हाथ में दिए थे। नाम के लिए प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी थे, पर एक्चुअल ड्राइवर जो सीट में पीछे बैठकर कार ड्राइविंग कर रहे थे वो सोनिया गांधी दी थी। वो भारत के साथ उनका संबंध ही नहीं है, वो इटली से है। सो वो 10 साल भारत के सबसे खराब 10 साल है। वो 10 साल में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, आप जहाँ देख के वहाँ आतंकवादी हमला हो गया, ये अनुभव अपने पास है जी। हम गलती से दूसरे व्यक्तियों को, बाहर व्यक्तियों को अपना देश अपना प्रदेश हम जब देते हैं क्या हो सकता है? तो ओडिशा में भी लगभग पिछले 10 साल से नवीन जी मुख्यमंत्री के नाम पे हैं, पर पीछे से ये पांडियन ही सरकार चला रहा है। और आज तो वो बाहर भी आ गए हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो अगले 5 साल, अगले 10 साल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के भाषा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के कल्चर और यहाँ के भविष्य, ये सब बचाना है तो ओडिया अस्मिता की जीत होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री जी और वी के पांडन का बात आता है, ये एम्प्लॉयमेंट का बात बोलते हैं, माइग्रेशन ज़्यादा आता है बोलते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रेंगाली यहाँ का सिचुएशन जहाँ भी है माइग्रेशन ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस बार में अभी यूथ मार्च के लिए क्या मैसेज होगा, डबल इंजन सरकार के बाद क्या होगा? मैं तो बेंगलुरु से आता हूँ जी, मैं भाषण में भी बोला, बेंगलुरु में मजदूरी के लिए, होटल्स में काम करने के लिए ओडिशा से लाखों संख्या में युवा आते हैं। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या ज़रूरत है कि यहाँ रोज़गार सृजन नहीं हो रहा है? आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, आप देश के जितने भी बड़ा शहर हैं वहाँ जाइए, आपको मजदूर करने में आपको बहुत सारे यहाँ के युवा मिलेंगे। क्यों आ रहा है वहाँ, क्यों जा रहे हैं वहाँ? क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं हो रहा है। देश के सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन होने राज्यों में ओडिशा एक है, बहुत ज़्यादा मतलब नैसर्गिक संपत्ति यहाँ है, ताकतवर मेहनती युवा यहाँ है, इन सब होने के बाद भी यहाँ अवसर की कमी है, तो इसका ब्लेम किसके ऊपर होना है? सरकार के ऊपर होना है। अपना वादा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के तुरंत बाद हम लाखों संख्या में सरकारी नौकरी हम भर्ती करेंगे और नए नए इंडस्ट्रीज को, नए रोज़गार के अवसर हम यहाँ शुरू करेंगे। और ओडिशा से जो पलायन हो रहा है, मजबूरी से पलायन जो हो रहा है, 5 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार इसको हम बंद करेंगे।
निहाती ये सीधा सड़क देखुले प्रतिक्रिया सामना का सूत्र आम राज्य राज्य युव मोर्चार सभापति अभिलाष पंडा भी अच्छा आम मुहर भी प्रतिक्रिया आणवा जेहतु सीधा सड़क आम मुहर प्रतिक्रिया आने जेहतु सी भी उस्थित अच्छा जेहतु अभिलाष पंडा मुहर आम किसी प्रतिक्रिया आने सार कौन कहे देखो जितेबाद एवं बर्तमान राष्ट्र अध्यक्ष सीधा तेजस्वी सूर्या मुहर से सीधा चित्र सामना का आसला से सीधा सड़क कहले जे ये सीधा सड़क ये निजुक्ति कथा चाषी कथा कहुची जे कर्णाटक जो भाई सरकार थी डबल इंजन सरकार थी से समय सब सुविधा थी चाषीों पाखे दस हजार टाँचा पहुँची पार्ला जो सरकार भांगा कांग्रेस सरकार आसला चार हजार टाँह सीधा सड़क सी सीधा लोक चाषी पाखर टाँचा सीधा सड़क बंद करागला एक क्षेत्र में ओडिशा जदि सरकार आसपाई चाषी कथा जहाँ जो युव समाज मान अच्छा जो मैंने यूथ मास अच्छा से पाखे निजुक्ति कथा जो आसूँ एक क्षेत्र में डबल इंजन सरकार कौन कौन बर्तमान स्वर उठू बीजेपी आठ लड़ब ए सरकार गढ़ आशा रखी देखूँ गोटे जगार जितेबाला निजुक्ति सुजोग कथा आप कह से सरकारी निजुक्ति जोटा सरकारी प्रशासनिक कल को चलवाई विभिन्न कर्मचारी आवश्यकता होती से ही स्तर में गोटे निजुक्ति एवं द्वितीय भाव जोटी इंडस्ट्री जोटा सरकारी इंडस्ट्री हो सरकारी कलकारखाना हो बेसरकारी कलकारखाना हो प्रकार द्वितीय प्रकार जो रोजगार व्यवस्था अच्छी दुईटी को छाड़देले आत्मनिर्भरशीलता विभिन्न एंटरप्राइजेस को एनकरेज करार व्यवस्था हो विभिन्न स्टार्टअप को आरंभ करार व्यवस्था हो तीनोटी को मोटामोटी आम बुझू जदि आप देखिए ओडिशा सरकारी क्षेत्र निजुक्ति क्षेत्र में ताले केवल पुलिस विभाग कथा मुझे गोटे लक्ष रु अधिक कनेस्टेबल पदवी खाली पड़ी 44,000 पाखापाखि शिक्षक पदवी खाली पड़ी एमती कौ विभाग ना मुझक कह जो विभाग में 50% रु ऊर्ध सरकारी निजुक्ति खाली ना आपडेटिफाई करें सब क्षेत्र में खाली पड़ी ठीक सेमती जिते आप कलकारखाना निजुक्ति विषय कथ को जी से आप देखिए पांचटी जिनस आवश्यकता अच्छे वन्य संपद पा आपन को दरकार खनिज संपद पानी सरकारी इच्छा शक्ति आपन को दरकार मेहनती श्रम शक्ति ये जे सब विषय गुड़ा रहा ओडिशा सबू अच्छे ये प्राकृतिक संसाधन अच्छी ये पानी अच्छी ये जगह अच्छी मेहनती श्रमिक मान जो लेबर्स अच्छा पूरा करें इच्छा शक्ति सरकारी इच्छा शक्ति ना तेणु से ओडिशा तो धनी कितु ओडिया मैंने गरीब होकर पड़ रही चाहिए स्थानीय स्तर में जिते इंडस्ट्री अच्छी आप देखते लोकलाइज मानने एम्प्लयमेंट आज से सुन हो पड़े रेंगालर जुवक रेंगाल कलकारखाना अच्छी कि चाकरी पाने जी रेंगालर जुवक एठिकार कलकारखाना एठिकार पा एठिकार संपद उपर जो रोजगार हो कलकारखाना बसी से चाकरी नप बाहर को दादन जावाई बाध्य होटा निहाती भाव गोटे अति दुस्थित राज्यर यहाँ दुर्भाग्य आम समस्त दुर्भाग्य और भारतीय जनता पार्टी सरकार आसव आमपाई प्रथम प्रायोरीटी रे जुवक कारण जुवक आज एवं आसंता का देश जातिर संस्कृति को राज्यर भविष्य को निर्धारण कर तेणु युवक को रोजगार देवा विषय को आम प्रायोरीटर सहित डील करूँ से निजुक्ति सब क्षेत्र में निजुक्ति शिक्षा को आम डील करूँ शिक्षार अध्यापक पदवी जो भाव खाली पड़ी जो भाव आज दिन में पांच छः वर्ष धरिकी नाचुराल लिडरशिप को मारिदे छात्र संसद निर्वाचन बंद हो जो भाव नुआ ओ ना गोटे प्रहसन होती एडेड कलेज मात्र 1% कलेज हूँ मात्र गवर्नमेंट कलेज बाकी समस्त कलेज हूँ प्राइवेट बा गवर्नमेंट एडेड कलेज से कलेज मानक 40,000-50,000 गोटे पिला ग्राजुएसन सिंपल ग्राजुएसन सारे खर्च करुच्छे 9,000 टकर गोटे ललीपप धरेकी जमी विजु जुवाहन 2019 बेले करते सेम 2024 बेले ये संस्था को आनीको आम एक्सपोज करुच्छू ए दिगरे इंटीग्राल सल्यूशन जोटा हो पार शिक्षा क्षेत्र में आम दबू सब कलेज पिला केमी स्वल्प खर्च में मागणारे पाठ पढ़ी पार तार व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार आसे करुवक आम प्रायोरीटी रे जो कृषक मान कथा कहते आम पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में धान 3100 टंका एथि 2100 टंका रु गोटे टंका राज्य सरकार आउ मिसो नांती एवं सेथिरे भी कटनी चटनी ए सब समस्या समाधान भारतीय जनता पार्टी सरकार अछि ये होची डबल इंजन सरकार प्रतिश्रुति देखिबे ओडिशा सरकार ओडिशा परिवर्तन हबो डबल इंजन सरकार आसिबो एवं लोकक मनरे परिवर्तन आसीछि जे डबल इंजन सरकार आसिले इटि दादन मुक्त ओडिशा ता सद नियुक्ति मिलिबो युवक मानकु एवं विभिन्न क्षेत्र रे रेंगाली निर्वाचन मंडल रे जो विभिन्न कंपनी अछि कंपनी भितर भी जदि कहबा इटि नियुक्तिर प्रश्न उठुनी जेहेतु दादन खटिबार देखा जाउची ताकू नै विभिन्न प्रसंग को लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकों सांगरे रहिबो एवं विभिन्न मुद्दा को नहीं लोकों पाखे पहुँची डबल इंजन सरकार केमी गढ़ आज युव संकल्प कार्यक्रम ये करागला राष्ट्र अध्यक्ष पहुँची युव मोर्चार सभापति पहुँची राज्यर युव मोर्चा बीजेपी सभापति भी पहुँची सीधा सड़क प्रतिक्रिया सामना का
कैमरा जर्नालीस्ट स्मिता पात्र रेंगाली प्रतिनिधि हिमांशु दास एवं गोपाल पाणी रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।